राजधानी दिल्ली और नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से हालात गंभीर हो चुके हैं। दिल्ली NCR में कई जगहों पर रविवार एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 को भी पार कर गया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही कई और पाबंदियां लग गई हैं। प्रदूषण आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाला है। सैटेलाइट डेटा के अनुसार अगले 3 हफ्तों तक हवा में और अधिक जहर घुल सकता है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के मामले में और अधिक इजाफा होगा और इसका सीधा असर दिल्ली NCR की हवा पर पड़ेगा। दिवाली के बाद सीजन में पहली बार पराली की वजह से राजधानी का दम घुट रहा है। शनिवार को पराली का प्रदूषण बढ़कर 21% तक पहुंच गया है। दिवाली के बाद से पराली जलाने के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन हवाएं विपरीत होने की वजह से इसका धुआं दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा था। अब यह धुआं लोगों को परेशान कर रहा है। नासा सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि पिछले 7 साल के दौरान 4 से 10 नवंबर के बीच पराली जलाने के मामले सबसे अधिक सामने आते हैं। इसका सीधा मतलब हुआ कि आने वाले वक्त में बढ़ते प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिलेगी। पिछले साल की बात की जाए तो 5 नवंबर के दिन पराली जलाने के मामले सबसे अधिक सामने आए थे। पिछले साल की तुलना में इस बार ऐसे मामलों की संख्या बढ़ सकती है। 2015 के बाद से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 10 नवंबर तक पराली जलाने के मामले सबसे अधिक है। साथ ही यह भी देखने में आया है कि पराली जलाने के मामले जब भी पीक पर पहुंचते हैं, इसका सीधा असर एयर क्वालिटी पर अगले 10 दिनों तक रहता है। साल 2020 और पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली जलाने के मामले में इजाफा हुआ है। सफर के अनुसार हवाएं उत्तर पश्चिमी हो गई हैं, इस वजह से पराली का धुआं राजधानी पहुंच रहा है। रविवार सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली में AQI 350 और इससे भी अधिक नोएडा में AQI 399 रहा। शनिवार को भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था और सुबह के वक्त धुंध भी रही और यह प्रदूषण की वजह से था। पराली जलाने के मामले अब भी बढ़ रहे हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को पंजाब में 1898, हरियाणा में 112, यूपी में 73, एमपी में 151, राजस्थान में 37 जगहों पर पराली जली। दिल्ली में ग्रेप का तीसरा चरण लागू हो गया है। कई नई पाबंदियां लग गई हैं। इनमें निर्माण और विध्वंस करने से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि अधिकारी हवा और खराब होने के मद्देनजर NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाले 4-चक्का वाहन पर रोक लगा सकते हैं। 2019 में दुनिया भर में 90 लाख मौतें प्रदूषण के कारण हुई, यानी हर छठी मौत के लिए किसी न किसी रूप में प्रदूषण जिम्मेदार। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।